हरे कृष्णा व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल शिव शक्ति डिवाइन टैरो में। और आज हम देखेंगे कि जो हमारे पाइसीज हैं उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनके लिए क्या फील करने वाले हैं 15 से लेकर 30th ऑफ मार्च के बीच में। ठीक है व्यूअर्स, व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल। और ये रीडिंग आप अपने सन साइन या मून साइन से देख सकते हो या फिर किसी भी उस राशि से जो आपके साथ रेजोनेट करती है सबसे ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं जो हमारे पाइसीज हैं उनके पार्टनर्स क्या फील करने वाले हैं उनको लेकर, क्या उनकी एनर्जीज और इंटेंशंस रहने वाले हैं उनको लेकर। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि जो पाइसीज हैं, एक कार्ड हुआ अनफोल्ड। ओके, जो पाइसीज हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनके इंटेंशंस और एनर्जीज क्या रहने वाली हैं उनको लेकर 15 से लेकर 30th ऑफ मार्च में। एक वन मोर कार्ड, आई होप द कार्ड्स आर विजिबल। अंडरनीथ वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपको पता हो या ना हो थर्ड पार्टी है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो इनका करियर और फैमिली है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये अभी इल्यूजन में है और बहुत ज़्यादा अभी अपने ऑप्शंस को भी वे कर रही हैं, ठीक है। आप हो और कुछ तो और है, भले ही अब करियर हो जहाँ पे ये कंपेयर कर रहे हैं आपको अपने करियर को, क्या करना है मुझे, या फैमिली हो, ठीक है, तो उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं ये बहुत, मतलब मुझे लगता है 70% ऑफ व्यूअर्स के लिए तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। उनके लाइफ में कोई और है, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। कहीं ना कहीं ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, एक फ्रेंडली वे में। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और समथिंग बहुत प्यार भरा कुछ फील कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बात करने का सोच जरूर रहे हैं। और इन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ना इनके लाइफ में, वहाँ से अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मुझे दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, 15 से लेके 30th के बीच में अगर मैं बोलूँ तो ये आपके बारे में सोचने ज़रूर वाले हैं और कहीं ना कहीं इनका फोकस जो है ना वो अपने करियर पे भी रहने वाला है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आपको कुछ ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ 10 की एनर्जी है। कुछ तो है, एकम्प्लिशमेंट की एनर्जी है, ठीक है, तो कुछ तो ये आपको सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे ये बात करें क्योंकि इनके दिमाग में ये चल रहा है और वो बात आगे बढ़कर एक सॉलिड कमिटमेंट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन व्यूअर्स ये उनके इंटेंशंस है सिर्फ। नेक्स्ट एक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी। ये मिनी सीरीज होती है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी हर राशि के लिए, जो 4-5 मिनट का होता है। अभी मैं सिर्फ इंटेंशन देखूंगी, नेक्स्ट एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वाला स्टेप, ठीक है, कि एकदम सॉलिड कुछ ऑफर कर दूँ। कुछ व्यूअर्स के लिए जहाँ बात सही से चल रही है आप लोगों की, वहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है, और वहाँ पे वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर लड़ाई होती है आप लोगों के बीच में, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं और उनका ध्यान कहीं और है, उनकी बात कहीं और चल रही है, ठीक है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स एंड अंडरनीथ वी हैव द सन कार्ड। देखिए, जिनको भी कमिटमेंट मिलेगा, सब लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, 20% या 10% लोगों को, जो जिनकी अच्छी बात हो रही है, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया से चल रहा है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी कमिटमेंट क्योंकि ये इंसान आपका है सोलमेट, ठीक है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो आप लोग और फिर सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आपके लिए यही करने का सोच रहे हैं, ये एक्शन नहीं है, ये इनके दिमाग में है कि अब मुझे कमिटमेंट देनी है या अब मुझे जो भी आपकी सिचुएशन है एलिवेट करना है, उसको शादी के लिए सोचना है, सोच जरूर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा और कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में, अगर ये थर्ड पार्टी में भी हो या कहीं पे भी हो, तो ये आपको चमकता हुआ इंसान, मतलब हर तरीके से परिपूर्ण समझते हैं कि इनको ये बात का आभास है कि इनके साथ ही ये, मतलब आपके साथ ही ये खुश रह सकते हैं, आप ही हो जो इनको नरिश कर सकते हो, आप ही हो जो इनको अनकंडीशनल लव कर सकते हो, ये उनको मालूम है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी में ये हैं तो अभी ये कोई एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे आप वैसे ही लेना। तो कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है वो, ठीक है, सरेंडर कर रखा है उन्होंने बहुत ज़्यादा। कुछ व्यूअर्स के लिए जो थर्ड पार्टी में है, बहुत परेशानी में मुझे दिख रहा है, वहाँ भी सरेंडर ही किया हुआ मुझे दिख रहे हैं वो, जहाँ पे अच्छे से बात हो रही है वहाँ पे वो सोचेंगे ज़रूर कमिटमेंट का, ठीक है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कमिटमेंट देने के लिए।
तो यहाँ पे तीन एनर्जीज निकल के आई हैं आपके साथ, जैसे भी रेजोनेट करे वैसे आप लेना। और ये अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हो पाइसीज तो आई वेलकम यू ऑल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन और बन जाए शिव शक्ति डिवाइन टैरो फैमिली का हिस्सा। नेक्स्ट एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, जय शिव शक्ति, बाय बाय।